सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस ते मैं हाँ तुहाडे नाल परमजीत कौर। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू दे निजी दफ्तर विच काम कर रहे मीनू मल्होत्रा दे नाम ते किसी शातिर व्यक्ति द्वारा फेक आईडी बना के उन्होंने दोस्तों अते जानकारां तों हज़ारां रुपए लुट लए गए ने अते उन्होंने यह भी दस्या कि कोई शातिर व्यक्ति उन्होंने नाम का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने फेक आईडी बना के यह जालसाजी कर रहा है। मीनू मल्होत्रा ने जानकारी सांझी करते हुए दस्या कि जिवें ही उन्होंने इसकी सच्चाई का पता लग्या तो उन्होंने यह मामला कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू और उन्होंने पत्नी ममता आशू के नाल सांझा किया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर नूं भी इस फ्रॉड बारे जानकारी दिती। नाल ही उन्होंने यह भी दस्या कि उस शातिर व्यक्ति द्वारा उन्होंने नाम से बनाई गई फेक आई डी बंद कर दिता गया है। पुलिस द्वारा खंगाली गई उस शातिर व्यक्ति की लोकेशन मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की शो हो रही है। होर भी अपडेट्स के लिए तुसी देखते रहो द सिटी हेडलाइंस। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस ते मैं हाँ तुहाडे नाल परमजीत कौर। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू दे निजी दफ्तर विच काम कर रहे मीनू मल्होत्रा दे नाम ते किसी शातिर व्यक्ति द्वारा फेक आईडी बना के उन्होंने दोस्तों अते जानकारां तों हज़ारां रुपए लुट लए गए ने अते उन्होंने यह भी दस्या कि कोई शातिर व्यक्ति उन्होंने नाम का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने फेक आईडी बना के यह जालसाजी कर रहा है। मीनू मल्होत्रा ने जानकारी सांझी करते हुए दस्या कि जिवें ही उन्होंने इसकी सच्चाई का पता लग्या तो उन्होंने यह मामला कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू और उन्होंने पत्नी ममता आशू के नाल सांझा किया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर नूं भी इस फ्रॉड बारे जानकारी दिती। नाल ही उन्होंने यह भी दस्या कि उस शातिर व्यक्ति द्वारा उन्होंने नाम से बनाई गई फेक आई डी बंद कर दिता गया है। पुलिस द्वारा खंगाली गई उस शातिर व्यक्ति की लोकेशन मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की शो हो रही है। होर भी अपडेट्स के लिए तुसी देखते दे रहो द सिटी हेडलाइंस। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस ते मैं हाँ तुहाडे नाल परमजीत कौर। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू दे निजी दफ्तर विच काम कर रहे मीनू मल्होत्रा दे नाम ते किसी शातिर व्यक्ति द्वारा फेक आईडी बना के उन्होंने दोस्तों अते जानकारां तों हज़ारां रुपए लुट लए गए ने अते उन्होंने यह भी दस्या कि कोई शातिर व्यक्ति उन्होंने नाम का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने फेक आईडी बना के यह जालसाजी कर रहा है। मीनू मल्होत्रा ने जानकारी सांझी करते हुए दस्या कि जिवें ही उन्होंने इसकी सच्चाई का पता लग्या तो उन्होंने यह मामला कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू और उन्होंने पत्नी ममता आशू के नाल सांझा किया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर नूं भी इस फ्रॉड बारे जानकारी दिती। नाल ही उन्होंने यह भी दस्या कि उस शातिर व्यक्ति द्वारा उन्होंने नाम से बनाई गई फेक आई डी बंद कर दिता गया है। पुलिस द्वारा खंगाली गई उस शातिर व्यक्ति की लोकेशन मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की शो हो रही है। होर भी अपडेट्स के लिए तुसी देखते रहो द सिटी हेडलाइंस।